आज के ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे आईज को पॉप अप कर सकते हैं और क्यूची क्लिक्स में हम तस्वीरों के क्या बना सकते हैं। जैसे देखिए आप बिफोर आफ्टर, तो चलो ट्यूटोरियल शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर्व को हम कन्वर्ट करेंगे स्क्रीन, लाइट अप हो गया। इसको जो ऑलरेडी मास्क हो चुका है इसको हम इन्वर्ट मास्क में करेंगे। इन्वर्ट मास्क के लिए हम कह रहे हैं कमांड आई मैक पे, कंट्रोल आई विंडोज़ पे, ठीक है जी। जूम इन करके ब्रश टूल, बी फॉर ब्रश, डी फॉर डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी कलर सेलेक्ट हुआ हो, दूसरा कोई, तीसरा कोई कलर सेलेक्ट हुआ हो, ठीक है, तो उसको डिफ़ॉल्ट करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइट हम करेंगे, वाइट से हम इस जगह को क्लियर कर लेंगे। वाइट फोरग्राउंड होना चाहिए। हाँ, साइडों की अभी इतनी फिक्र ना करें कि अभी साइड से क्यों वाइट अप हो चुका है, इसको हम कन्वर्ट क्लियर कर लेंगे बाद में। अभी अगर इसके पीछे हम भागना शुरू करेंगे तो ब्रश को कभी ज़्यादा करो कभी कम करो, इसके पीछे टाइम काफ़ी लग जाएगा। क्या करेंगे, एक्स दबा के इस कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक को फोरग्राउंड बना लेते हैं और इसको देखें आई बॉल को और लेशेस को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड आई को एक्स अगेन वाइट कर लिया, वाइट को क्लियर, वाइट एरिया जितना भी है उसको क्लियर कर लिया। एक्स दबा के आउटसाइड जो है, जो डायमेंशन है बाहर जो आई को क्लियर नहीं दिखाती, उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, कमांड ज़ीरो कंट्रोल ज़ीरो। आई देख रहे बहुत ज़्यादा ना, तो इसको हम ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे, अराउंड अबाउट 30-35 तक ले आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसको और थोड़ा सा हमने डायमेंशन देना है कलर को, तो डबल क्लिक करके लेयर पे ब्लेंड ऑप्शन आ जाएगा, या राइट क्लिक करके ब्लेंड ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। ब्लेंड ऑप्शन के ज़रिए हम इसको थोड़ा सा और डायमेंशन देंगे, ये अंडरलाइन लेयर जो है इसके ज़रिए हम उसको जैसे ब्लैक के जगह से वाइट को हटा देंगे, वाइट को ब्लैक वाली जगह से हटा के थोड़ी सी डायमेंशन को ज़्यादा करेंगे। इसको मैं यहाँ पर ऑल्ट और ऑप्शन, ऑप्शन बटन मैक में, ऑल्ट विंडो में, इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर लेंगे, सही जी। ओके, कमांड ज़ीरो बिफोर आफ्टर। अगर कलर को हमने थोड़ा सा पिक्चर को और थोड़ा सा पॉपअप करना है, तो अगेन कर्व्स विन ये ऑप्शन सेलेक्ट करके स्किन कलर सेलेक्ट कर लें, स्किन कलर कहाँ पे है उसको थोड़ा सा पॉपअप कर लें। ओके, डार्कनेस वाली जगह सेलेक्ट कर लें, जो डार्कनेस वाली जगह है फॉर ये वाली चिन जगह जो है, थोड़ा सा इसको हल्का सा, ओके ठीक है जी। आफ्टर, अगर इसको वीनियट थोड़ा सामने करना है तो न्यू लेयर, न्यू लेयर के जरिए जी, जी फॉर गार्डियन लेयर, रेडियल गार्डियन लेयर सेलेक्ट करेंगे, रिवर्स अगर क्लिक हुआ तो इसको रिवर्स को अनचेक करेंगे, क्लिक सेंटर में। ओके जी, इसके ऑप्शन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर लिया, वाओ कुछ ही क्लिक में विनियर थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। अगर इसको हमने थोड़ा सा और भी कलराइज करना है तो अगेन कर्व, आज कर्व का ही बारी है, ब्लू, ब्लू में तो ऐसे इसको हल्का सा देंगे टच, हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं, देखो तो सेलेक्ट ऑल कमांड जी कंट्रोल जी। तो देख लिया जनाब अपने कुछ ही क्लिक्स में तस्वीर क्या से क्या हो गई है। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।